नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य अग्नि न्यूज चैनल स्टूडियो। सचिवालय में नौकरी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपित को पारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने महिला से 22 लाख रुपए और लाखों के जेवर हड़प लिए थे। डीसीपी दक्षिण रवि कुमार के मुताबिक महिला को नौकरी का झांसा देकर चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपित ने दुष्कर्म किया था और फिर अश्लील वीडियो बना ली थी। पुलिस टीम ने आरोपित को आलमबाग बस स्टेशन से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम संजय दुबे उर्फ बबलू बताया, वहीं महिला को खुद का नाम उदित बताया था। आरोपित संजय मथुरा के हाईवे नेटवर्क नगर धौली प्याव का रहने वाला है। आरोपित के पास से पुलिस को मुदित मोहन चौरसिया व मुदित मोहन चौहान नाम की आईडी भी मिली है। पुलिस के मुताबिक पारा निवासी महिला ने 18 नवंबर 2020 को जनसुनवाई केंद्र में उदित कुमार अवस्थी नाम के शख्स पर सचिवालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने और धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि जून 2017 में राह चलते उदित कुमार अवस्थी से मुलाकात हुई थी। उदित महिला को फॉर्म भरवाने के लिए आगरा लेकर गया था, जहां होटल में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। महिला से 22 लाख रुपए और लाखों के जेवरात हड़प लिए।